नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते हैं कॉइन के बारे में, नोट के बारे में, ये सब बताता है। तो मैंने आज एक कॉइन आप लोगों को दिखाएगा, उसका डिटेल देगा, तो डिटेल को ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कॉइन का डिटेल। तो आज मैंने आप लोगों को डब्बू कॉइन दिखाने वाला हूँ। डब्बू कॉइन मतलब ये कॉइन बड़ा है, जो हम लोग 6 ग्राम का कॉइन देखता हूँ कॉपर निकल वाला, उससे ये कॉइन ज़्यादा बड़ा है और वेट भी इसका ज़्यादा है। तो ये डब्बू कॉइन 1975 से 1982 तक RBI ने इशू किया था। कॉपर निकल के कॉइन, इसका वेट है 8 ग्राम, साइज है 20 mm, साइज है 28 mm, सर्कुलर कॉइन, और बॉम्बे कैलकाटा यही दोनों मिन से ये कॉइन मिंटेज हुआ था, तीसरा कोई मिन से ये कॉइन मिंटेज नहीं हुआ। 75 से 1982 तक ये कॉइन मिंटेज हुआ था। तो इसमें से मैंने एक कॉइन आप लोग को आज दिखा रहा हूँ। देखिए 1982 का एक कॉइन, लास्ट जो कॉइन मिंटेज हुआ था 8 ग्राम का कॉपर निकल वाला 1 रुपया सिक्के डब्बू कॉइन हम लोग इसको कहता हूँ। तो डब्बू कॉइन का चेहरा देखिए, एकदम व्यू कंडीशन का है। तो ऐसे जो व्यू कंडीशन का कॉइन, ये ऐसे ही बिकता है ज़्यादा दाम में, और ए स्केयर या रेयर होने से और भी ज़्यादा दाम में ए कॉइन सेल होता है। तो 82 मैंने क्यों दिखा रहा हूँ वो मैंने बताता हूँ, क्योंकि 75 से 1981 तक जितना कॉइन मिंटेज हुआ था उसमें आप लोग देख लीजिए, सब कॉइन एकदम कॉमन है, 82 भी कॉमन है, लेकिन 82 वाला जो सिक्के आप देख रहा है ये बॉम्बे मिंट का सिक्के है और ये सिंगल मिंटेज कॉइन है। 82 वाला ये सिक्के कम मिंटेज हुआ था, इसीलिए ज़्यादातर सर्कुलेशन में नहीं आया और आप लोगों को हाथ में भी ज़्यादा नहीं आया है। इसीलिए ये कॉइन दूसरा जो कॉइन है 75 से 81 तक, उसका जो प्राइस होता है उससे ज़्यादा प्राइस में ए कॉइन सेल होता है। तो अभी मैंने जो कॉइन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ए कॉइन UNC कॉइन है, व्यू कॉइन। देखिए इसका लाइन साइड देखिए, इसका फ्रंट साइड देखिए, जहाँ 1 रुपया लिखा हुआ है, एकदम जगाजग परिष्कार, साफ सुथरा नहीं हुआ। ए कॉइन एकदम मिंट से जैसे आया वैसा ही है, अभी भी मिलता है बहुत सारे आदमी का पास, ऐसे न्यू कॉइन मिलता है। तो दोस्तों इसका प्राइस क्या होना चाहिए, देखिए ऐसे ही तो 75 से 1982 तक जितना कॉइन है ये सब कॉइन मार्केट में आप लोगों को हाथ आया था ज़रूर, लेकिन वो यूज्ड कॉइन है। यूज्ड कॉइन का दाम ज़्यादा नहीं होता है, 4 रुपया 5 रुपया ऐसा कोई होता है, और अगर ऐसे UNC कॉइन होगा तो इसका दाम मिनिमम 10 से 15 रुपया पर पीस हो सकता है 1975 से 1981 तक, और 1982 वाला ए सिक्के। तो दोस्तों ए सिक्के मिनिमम 40 रुपीज़ में सेल होने वाला सिक्के है, 40 रुपया ए सिक्के। अगर UNC में दूसरा ईयर का जो सिक्के है वो अगर 30 रुपीज़ में सेल होगा या 20 रुपीज़ में सेल होगा, जितना ही हो उसके ऊपर जाएगा ये 82 वाला
सिक्के, 1982 वाला सिक्के अगर आप लोगों के पास है, ये सिक्के आप लोग सेल कर सकता है, लेकिन उतना दाम आप लोगों को नहीं मिलेगा। मार्केट प्राइस जो है उसमें तो डीलर सेलर लोग सेल करता है, इसीलिए थोड़ा दाम कम मिलेगा। लेकिन 1982 वाला सिक्के की प्राइस हर टाइम ज़्यादा होता है UNC और BUNC कंडीशन होने से, और चालू होने से 5-7 रुपया मिल जाएगा, लेकिन डिमांड है UNC कॉइन का, हर टाइम आप लोग याद में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।